क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी के घर में एसी क्यों नहीं है, और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी के घर का बिजली का बिल आखिर कितना आता है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे स्टनिंग फैक्ट्स आप जानने वाले हो। तो एंड में आपको होगी कि क्या बात है। फैक्ट नंबर वन, तो क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी के घर पर एसी क्यों नहीं है? तो दरअसल मुकेश अंबानी के घर की जो दीवार है बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से बनाई गई है। उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल दीवारों की तरह नहीं है, बल्कि उसे यूनिक तरीके से बनाई गई है, जिस वजह से उनके घर की दीवारें एनर्जी को कैच करती है और बाहर से आने वाली हवा की मदद से उनके घर को हमेशा ठंडी रखती है, फिर चाहे एसी चल रहा हो या फिर नहीं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो अपने घर को यानी कि पूरी बिल्डिंग के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसलिए उनको घर में एसी लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे रॉकी भाई कुछ ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर टू, तो मुकेश अंबानी अपने फोन के लिए कौन से सिम का यूज करते हैं? और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी आखिर कौन सा फोन यूज करते हैं? तो आपको पता ही होगा कि उनके पास खुद की सिम कार्ड की कंपनी है, पर फिर भी क्या वो किसी दूसरे सिम कार्ड का यूज करते हैं? तो मुकेश अंबानी को इंटरव्यू में पूछा जाता था, पर वो कभी भी बताते नहीं थे। पर फिर भी एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने फाइनली बता ही दिया कि वो दो फोन का यूज करते हैं, जिसमें एक है ब्लैकबेरी और दूसरा है HTC। और बात रही सिम कार्ड की, तो जियो का सिम कार्ड का यूज करते हैं, और जियो आने से पहले वो वोडाफोन का सिम कार्ड का यूज करते थे। फैक्ट नंबर थ्री, मुकेश अंबानी इनका पानी का बिल आखिर कितना आता है? तो ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुकेश अंबानी आखिर कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। तो कहा जाता है कि वो एक महीने के अंदर करीब 5 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर करीब 18,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इसी वजह से कई लोगों ने इनके घर के सामने आकर प्रोटेस्ट भी किया है, और कई बार उनके ऊपर सवाल भी उठाए गए हैं। इनके घर में इतनी सारी चीजें हैं कि जैसे कि बड़े पूल जिसमें इतना सारा पानी लगता है, और यही वजह से इनके घर का महीने का बिल करीब 20 लाख रुपए से भी ज्यादा आता है। एक आम इंसान की इसमें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो आपके घर में पानी का बिल कितना आता है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर फोर, मुकेश अंबानी इनको तो आप जानते होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि उनके वॉलेट में कितने पैसे होते हैं? तो दरअसल मुकेश अंबानी के वॉलेट में 1 भी रुपया नहीं होता। जी आपने सही सुना, तो आप सोच रहे होंगे कि वो किसी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का यूज करते होंगे, पर आप यहाँ पर भी गलत हो। तो उनके पर्स में कुछ पर्सनल चीजों के अलावा कुछ नहीं होता। तो उनका कहना है कि उन्हें पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास असिस्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ज्यादातर कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मुकेश अंबानी अपने वॉलेट में पैसे नहीं रखते। पर आप अपने वॉलेट में कितने पैसे रखते हो, कमेंट में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर फाइव, भारत के अमीर आदमी मुकेश अंबानी इनको तो हर कोई जानता है, और लोग ये भी जानते हैं कि उनका घर एंटीलिया कितना बड़ा और आलीशान है। तो इनके बड़े घर में बिजली का बिल कितना आता होगा? तो आम आदमी के घर अगर 2000 का बिल भी मंथली आता है तो वो ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से इनका बिल तो इससे 1000 गुना ज्यादा है। इनके घर में 6 फ्लोर्स की वर्टिकल पार्किंग है, जहां कार्स को ऊपर नीचे ले जाने में बिजली का यूज होता है, और तो यहाँ 9 लिफ्ट है, और 50 लोगों के लिए थिएटर भी है, और एक रूम एसी भी है, जहाँ कश्मीर जैसी ठंडी होती है जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और यहाँ टोटल 500 से ज्यादा रूम से, और इन्हीं सबको मिला के इनका टोटल महीने का बिल 17 लाख रुपए आता है। तो अगर आपको इनमें से कौन सा भी फैक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।